हमें उम्मीद है आप फंक्शन समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फंक्शन समझ गए, फंक्शन तो समझ गए आप। अब ये इंटीग्रेशन समझने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो देखते रहिए वीडियो, देखते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता क्या है। तो डिफरेंशिएशन देखिए इसमें ही लिखा है डिफरेंस, तो हम पहले करेंगे डिफरेंस। तो ये होता है डी वाई, वाई वाई मतलब फंक्शन ऑफ एक्स, और ये कर दिया मैंने डिवीजन, तो इसका मतलब है वाई का डिफरेंस और इसका मतलब है एक्स का डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज ऑफ एक्स। यहां पर है डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज ऑफ वाई है ना, ऊपर वाई, नीचे क्या है डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज ऑफ तो लिखा ही है ऊपर ऑफ एक्स, बस यही चीज है। तो देखिए वाई का मैंने डिफरेंस किया और एक्स का डिफरेंस किया, दोनों के डिफरेंस को मैंने यहां पर घटा दिया, इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन। इसका ठीक उल्टा होता है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में पहले मैंने क्या किया, डिफरेंस किया फिर डिवीजन किया, तो डिफरेंशिएशन इक्वल टू डिफरेंस प्लस डिवीजन, डिफरेंस प्लस डिवीजन। तो डिफरेंस का मतलब होता छोटे बड़े में से छोटे को घटाना, बड़े में से छोटे को घटाना, और डिवीजन मतलब तो आप लोगों को पता ही है भाग करना। बड़े में से छोटे को घटाते हैं उसे डिफरेंस कहते हैं। जैसे 15 और 20 अगर इसमें हम डिफरेंस पूछे तो क्या होगा 5, अगर हम कहें किसी का वो डिवाइड का सॉरी घटाओ, घटाने में दो आंसर आ सकते हैं, 5 भी आ सकता है माइनस 5 भी आ सकता है, 15 माइनस 20 माइनस 5 आएगा, तो ये घटाना हो गया। अगर सब्ट्रैक्शन, इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन, अगर हम कहेंगे अंतर तो अंतर 5 ही आएगा, हिंदी में कहते हैं बड़े में से छोटे को घटाने को ही हम कहते हैं अंतर, अंतर निकालना। तो आप लोग समझ गए होंगे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। अब इसके बाद देखते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता। इंटीग्रेशन समझने के लिए वीडियो देखते रहिए, अभी मैं आप लोगों को बताता हूं इंटीग्रेशन होता क्या है। तो अब आया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। अब समझते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है, जो आज का हमारा टॉपिक था इंटीग्रेशन। इसे कहते हैं रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स मतलब उल्टा, डिफरेंशिएशन के उल्टे को ही हम कहते हैं इंटीग्रेशन। तो आप लोगों को अभी मैंने बताया डिफरेंशिएशन में मैंने क्या बताया, पहले डिफरेंस दो वैल्यू दो फंक्शन का डिफरेंस निकाला, पहला ऊपर वाला था डिपेंडेंट फंक्शन, नीचे वाला था इंडिपेंडेंट फंक्शन, उसका मैंने डिफरेंस निकाला, और पहले वाले को दूसरे से भाग कर दिया, कहने का मतलब डिपेंडेंट वाले को इंडिपेंडेंट से भाग कर दिया, तो हमें वो निकालाया डिफरेंशिएशन। अब इंटीग्रेशन ठीक इसकी उल्टा प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन जो है इसकी ठीक उल्टा प्रोसेस है। उल्टा प्रोसेस तो उसमें मैंने पहले किया था डिवीजन, और इसमें मैं पहले करूंगा मल्टीप्लाई। तो इसमें एक इधर भी एरो लगा दे, पहले हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो किसका मल्टीप्लाई, तो हमने बताया है वाई, जो एक y क्या था एक डिपेंडेंट वैल्यू थी, डिपेंडेंट फंक्शन, और नीचे जो x था ये इंडिपेंडेंट था। इंडिपेंडेंट मैं इसकी अपने मन से देखिए स्वतंत्र वैल्यू दे रहा था, मतलब ये इस पर डिपेंड नहीं था, हम एक्स की अपने मन से कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, रियल नंबर की या जो उसका डोमेन होगा उस तरह की हम वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन इसमें अपने मन से वैल्यू नहीं दे सकते, इसमें जो वैल्यू देंगे उसी हिसाब से इसमें वैल्यू आएगी।
उसमें बाद में डिवाइड किया था, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद करेंगे एडिशन। बस मल्टीप्लाई और एडिशन को ही हम कहते हैं इंटीग्रेशन। अब आप कहेंगे मल्टीप्लाई कहाँ करते हैं, एडिशन कहाँ करते हैं, तो अभी हम इतना आप देख लीजिए, मैं अभी बता रहा हूँ कि ये कहाँ करते हैं। एक फिजिक्स का इसमें एक उदाहरण भी लेना पड़ेगा, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा कि मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए मैंने इसमें वाई लिखा, वाई को डीएक्स से मैंने गुणा कर दिया, तो ये हो गया मल्टीप्लाई। अब एडिशन के लिए ये साइन लगा दिया। तो देखिए मैंने क्या बताया था, इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का उल्टा होता, तो इसमें देखिए मैंने वाई लिखा, इंटू इंटू लगा दिया और गुणा कर दिया। अब ये साइन ये बता रहा है कि ये वाई डीएक्स बहुत सारे लिखे हैं, 20-25 लाख 1000 करोड़ जितने भी हो सकते हैं लिखे हैं, और उन सबको ये जो एफ तरह लग रहा है इसको, ये सिर्फ बता रहा है कि इन सबको जोड़ा गया है, सिर्फ ये एडिशन। जैसे आपने समेशन का साइन पढ़ा होगा, कुछ वैल्यू को जोड़, हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि वो जोड़ का सिंबल है, उसी तरह ये भी, ये जो कैलकुलस है कैलकुलस में इस सिंबल को लिया जाता है जोड़ के लिए। तो एक एग्जांपल से हम देखते हैं कि इसका और इसका क्या मतलब है। तो इस उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि इंटीग्रेशन में इसका क्या यूज है। तो देखिए यहां पर मैंने ये लिखा है वी डी टी, तो वी किसको डोनेट कर रहा है, वाई को, डी टी मतलब यहाँ डीएक्स, डीएक्स किसके बराबर है, डी टी। तो हम ये पहले थोड़ा इसमें आपको एक्सप्लेन कर दें, तो हम ये बता रहे हैं अगर हमारा टाइम, घड़ी मैंने स्टार्ट की और गाड़ी चलने लगी, तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे हमारी गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी, अगर हम समय को रोक देंगे गाड़ी भी हम रोक देंगे, तो जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे गाड़ी या तो जाएगी, अगर हम ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी ऐसी रिलेशन करके धीरे 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 रुक जाएगी, अगर हम वो ऐसी रिलेशन देंगे तो गाड़ी धीरे 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 त्वरण देंगे तो गाड़ी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। तो वही चीज है। तो अब हम देख सकते हैं जो यहाँ टी है, तो टी और वी ये हमने क्या बताया था, डिपेंडेंट, इसमें वाई किस पर डिपेंड कर रहा है, एक समय पर, अगर हम समय जीरो कर देंगे तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, अगर समय हम बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। तो वही चीज है, यहाँ पर वेलोसिटी कुछ थी, यहाँ पर कुछ हमने मान लिया, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो जब हमने समय बीता गया वेलोसिटी मान लिया 10, 20, 30, यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, यहाँ हो गया समय 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड। तो देखिए जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ये लाइन भी बढ़ती जा रही है, ये ऊपर बढ़ता जा रहा है, तो जैसे जैसे हम समय बिताएंगे वैसे वैसे दूरी भी बढ़ रही है। तो ये इस तरह का एरिया हमें पता चला। अब हमें इसमें एक चीज निकालनी है, वो चीज है डिस्प्लेसमेंट। अब इतनी दूरी में हमारी गाड़ी कितना डिस्प्लेसमेंट की है, हम ये चीज निकालना चाह रहे हैं। ये तो हमने बना दिया, अब हमें ये निकालना है डिस्प्लेसमेंट। आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्राफ में जो एरिया होता है, एरिया डिस्प्लेसमेंट को प्रेजेंट करता है, इसके बीच में एरिया, हम यहाँ ले देखते हैं टाइम t1, यहाँ लेते हैं t2, तो ये इसके बीच का जो ये एरिया है, ये जो एरिया है यही डिस्प्लेसमेंट बताएगा। एरिया ही डिस्प्लेसमेंट बताता है, एरिया डिस्प्लेसमेंट बताता है। अगर हम दो चीजों को गुणा करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट, अगर भाग करेंगे, अगर हम इनमें, ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज में बता रहा हूँ कि अगर इनको इनको गुणा करेंगे तो हमें एक मिलेगा वो एरिया, एरिया कुछ भी हो सकता है, अगर हम भाग करते हैं तो हमें स्लोप मिलता है, अगर हम इसमें भाग करेंगे स्लोप, तो वो चीज अलग की बात है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो देखते रहिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम इसमें एक जुगाड़ लगाएंगे। वही चीज अगर आप समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि इंटीग्रेशन की मीनिंग क्या होती है। तो आप समझ गए होंगे कि वीडियो की थीम क्या है। तो एरिया इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, हमें किसी भी तरीके से इसमें का एरिया निकालना है। तो देखिए हमारे पास एरिया के कितने फार्मूले हैं, रिटेंगल आयत भी ना, या ना इसमें ये आयत बनना है, रिटेंगल बनना है, ना सर्किल बन रहा है, ना ही ये बनना है, ना ही कोई त्रिभुज बन रहा है, इसमें से कोई भी नहीं लग रहा। लेकिन हम ये जानते हैं कि एरिया का मतलब होता है दो चीजों का गुणा, दो फंक्शन यहां कह सकते हैं,
दो फंक्शन का इनटू गुणा, अगर हम दो चीजों को गुणा कर देते हैं वही हमें डिस्वो देता है एरिया। जैसे इसमें भी क्या था, ए इंटू बी था, इसमें आर स्क्वायर था, बाहर पाई लगाते वो तो सर्कल में कुछ होता है वो अनुपात होता है पाई, वो तो उसकी बात अलग है। इसमें ए स्क्वायर होता है, वन अपॉन टू ए इंटू बी होता है, जितने भी सर्कल हो अगर ये वाला करेंगे एस एस माइनस ए, उसमें भी जो है दो चीजों का गुणा ही होता है, एस इंटू एस, देखिए दो चीजों का गुणा हो गया। तो ये समझ गए होंगे कि जो सर एरिया होता है दो चीजों का हरदम गुणा होता है, तो इसमें से कोई भी फार्मूला हमें नहीं लग रहा है। लेकिन हम इसमें एक चीज लगा सकते हैं, हम जो टाइम है उसको छोटे छोटे खंडों में बांट सकते हैं, बहुत छोटे छोटे, यहां मैं फिर भी थोड़ा बड़े खंड बना रहा हूं जिसमें हमें दिखाई दे, ये जो खंड है ये बिल्कुल बराबर लंबाई के हैं, ये बहुत छोटे हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास इलेवेंथ या ट्वेल्थ में, ये छोटे खंडों को ही हम कहते हैं डीटी। ये छोटे छोटे मतलब बहुत छोटा मैंने समय ले लिया, इतना छोटा वो लगभग जीरो टाइम मैंने ले लिया, तो ये बहुत छोटा समय है। तो यहाँ देखिए एक हमें यहाँ बन रहा है रिटेंगल, ये यहाँ थे, इधर देखिए आप, जैसे हम ये भुजा लीजिए, अगर हम यहाँ करेंगे तो देखिए यहाँ रिटेंगल नहीं बन रहा, अगर हम ये साइड और इधर कर दिए तो देखिए ये दो पॉइंट लगभग करीब ये इतनी दूर है, इतना अभी इसमें डिफरेंस है। अगर हम ये थोड़ा और कर दे और थोड़ा कर दे, आपकी सहूलियत के लिए अगर हम यहाँ कर दे तो देखिए आप लगभग ये हम मान सकते हैं कि एक रिटेंगल है, ये एक रिटेंगल की तरह लग रहा है। बस वही चीज इसमें एज्यूम करनी है, मान लेते हैं कि ये बहुत छोटा सा है और एक रिटेंगल बन रहा है, तो रिटेंगल अगर हम मान लिए कि यहाँ पर एक रिटेंगल ही है तो आगे समझना काफी आसान हो जाएगा। तो एक रिटेंगल है, तो रिटेंगल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसका अगर इसका एरिया निकालना है तो हमने बताया है आपको ये जितने भी छोटी छोटी बीच में खंडे हैं सब डीटी लंबाई के हैं, ये भी डीटी है, ये भी डीटी है, और जितने भी बहुत सारे बनाएंगे, एक दो नहीं काफी हो सकते हैं, ये सब की लंबाई सेम ही है, डीटी डीटी लंबाई सेम है, डीटी डीटी तो ये लंबाई सेम है। तो अगर हम एरिया निकालेंगे, एरिया क्या निकलेगा, ये ऊपर की हो गई ये लेंथ और ये हो गई ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है वाई मतलब वी, और ब्रेथ कितनी है डी टी। तो देखिए एक छोटे से समय में छोटा सा एरिया निकला, छोटे से एरिया को दर्शाने के लिए हम क्या कह सकते हैं डी ए, तो कहने का मतलब ये छोटा सा एरिया निकला, तो छोटे से एरिया बहुत सारे निकले डी ए, यही क्या है वी इंटू डी टी, वी इंटू डी टी, वी इंटू डी टी, ये बहुत सारे अनंत तो नहीं कह सकते लेकिन इतने निकले हैं जिन्हें हम जोड़ सकते हैं, कैलकुलेशन हमारी हो सकती है, इतने हमारे निकले। तो अब हम इन सबको जोड़ लेंगे, जोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं, अभी हमने आपको बताया इंटीग्रेशन, जोड़ने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो हम अगर पूरा एरिया चाहेंगे तो हम यहाँ पर लगा देंगे, यही जो छोटा साइन है जब ये इक्वल टू को इस तरफ पर चला जाएगा यही बड़ा बन जाएगा, मतलब ये एडिशन को अब डिफाइन करेगा, तो v इंटू डी टी। तो देखिए ये साइन ही है, अगर हम इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहें तो जो बड़ा एरिया हो जाएगा a, ये क्या होगा v इंटू डी टी प्लस v इंटू डी टी प्लस v इंटू डी टी, तो ये बहुत सारे एरिया हो जाएंगे। अब देखिए जो v है ये हर जगह सेम नहीं है, तो हम यहाँ v1 v2 वो कह सकते हैं, वो बाद में समझने वाला, वो थोड़ा हम नहीं बताना चाहते, लेकिन हम मीनिंग इंटीग्रेशन की मीनिंग क्या होती है वो बताना चाहते, तो इसीलिए हम अगर पूरा एरिया निकालना चाहेंगे तो एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v dt। अब देखिए आप यहाँ पर दो चीजों का इंटू हो रहा, ये v इंटू डी टी, और बीच में ये ये साइन बता रहा है कि जितने भी वेरिएबल इसमें आए हैं सबको हम जोड़ रहे हैं। तो देखा आपने कैसे ये हम समझ सकते हैं, ये समझने के लिए पहले आपको फंक्शन पता होना चाहिए, डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। तो अगर आप इससे संतुष्ट हुए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, और अगर इसमें कोई कमी रह गई है तो आप कमेंट करिए, हम उसे जरूर सुधारेंगे। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। एक सेकंड
फंक्शन के लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, वो 3 मिनट का है लमसम, वो इसमें नहीं ऐड हो पाया धोखे से, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा फंक्शन क्या होता है, और वो पूरा इसमें है ही है, तो ठीक है।